दोनों पे बाएं की तरफ और दाएं की तरफ. With breath, turn to left side and right side. Feel the contraction and relaxation in your spinal cord. Okay, take deep breath in, relax. जैसे हम चेयर में बैठते हैं, बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर रखें. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ध्यान रखिए, दोनों तरफ टच होगा. यहां पर आपका हड्डियों का साउंड थोड़ा सुनाई दे सकता है. सो जो भी करेंगे हम ब्रेथ के साथ करेंगे. अगेन अपोजिट, दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर, सेम टर्न टू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. यू कैन सी माय नी लैप टच टू द ग्राउंड. पूरा शरीर को ढीला छोड़ेंगे. रिलैक्स योर बॉडी. डीप ब्रेथ इन एंड एक्सहेल. ओके, जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं वैसे ही सो के हम बटरफ्लाई करेंगे. विथ ब्रेथ लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ टच होगा. अभी दोनों पैर के बीच में फैसला देखें, ये थोड़ा डिफरेंट है. दाएं पैर दाएं की तरफ, बाएं पैर बाएं की तरफ टच होगा. ये अब करने के बाद आपका बॉडी में एक अलग सा एनर्जी आ जाएगा, मतलब पूरा शरीर जैसे मसाज टाइप का. ओके, अभी सुप्त ताड़ासन करेंगे. दोनों हाथ पीछे की तरफ, दोनों पैर आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे. ये आप सो के सोने के बाद उठ के आप कर सकते हैं. अभी ये मड़ासन टाइप का हो गया. पहले हम क्या करते थे, ऐसे ही पोजीशन में बैठते थे तो प्रेशर क्रिएट होता था जब हम लैटिन जाते थे. अभी तो कॉमन हो गया इसलिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ गया. देखो मैं टैप कर रहा हूँ दोनों हाथ को, या को प्रेशर के लिए है. अभी दोनों हाथ पीछे की तरफ, फ्रॉग का पोज बना लिया हमें. बस जब आप वेकअप करते हैं ये कुछ एक्सरसाइज आपको करना चाहिए. अभी रिलैक्स कर लिया, थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया हेड को, पूरा शरीर का आवाज निकलेगा, हड्डियों का आवाज. ब्रेथ के साथ करेंगे. विथ डीप ब्रेथ इन एंड एक्सहेल. जब पीछे आते हैं फिन गो बैक एट द टाइम डीप ब्रेथ इन एंड एक्सहेल. अभी देखो दोनों हाथ बाएं की तरफ एंड दाएं की तरफ. पूरी तरफ विश्राम. अभी वही वज्रासन में पूरा सो जाएंगे. दोनों पैर को स्ट्रेच, दोनों हाथ आकाश की ओर खोला. लंबी गहरी सांस भरेंगे और खाली करेंगे. अभी देखिए दोनों पैर को मैं क्लोज कर दिया. यहां पे आपका बैक में थोड़ा खिंचावट महसूस होगा. अब धीरे से शवासन में अब विश्राम करें. जब शवासन करेंगे पूरा बॉडी लाइक डेड बॉडी, हाथ का सहारा लेते ही उठकर बैठ जाएं. थैंक यू.